नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, वो गुजरात दौरे पर थे। 26 जुलाई को उन्होंने गुजरात में व्यापारियों के साथ एक टाउन हॉल कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को संबोधित किया, साथ ही व्यापारियों के साथ उनका संवाद भी हुआ। इस दौरान उन्होंने गुजरात के व्यापारियों को 5 गारंटी देने का ऐलान किया। क्या वो 5 गारंटी हैं, वो आपको बता देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियों का ऐलान करते हुए कहा कि सबसे पहली गारंटी है डर का माहौल खत्म करेंगे, कारोबारियों को इज्जत देंगे, ये दूसरी गारंटी। तीसरी गारंटी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। चौथी गारंटी उनकी तरफ से जो दी गई, उसमें कहा गया कि सारे वैट रिफंड करेंगे 6 महीने में और GST को आसान करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और उसके बाद 5वीं गारंटी के तौर पर उन्हें कहा गया कि कारोबारियों को सरकार का पार्टनर बनाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से गुजरात दौरे के दौरान जब उनका संवाद हुआ व्यापारियों के साथ, तो उन्होंने इन 5 गारंटियों का ऐलान किया। उनका बयान सुनिए। पहली चीज, डर खत्म करेंगे। दूसरी चीज, इज्जत देंगे। तीसरी चीज, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। 2.5% कमीशन देनी नहीं पड़ेगी असेसमेंट के ऊपर, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। चौथी चीज, वैट के बहुत रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं और GST के भी 6 महीने के अंदर ये सारे रिफंड क्लियर करेंगे, जितने आपके पुराने रिफंड पड़े हुए हैं। और आपके साथ बैठ के GST का जो पूरा प्रोसेस है, एक तरफ हम केंद्र सरकार के साथ बात करके उसको सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने गुजरात के अंदर जो जो बंद पड़ सकता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जीएसटी के पूरे प्रशासन को प्रो पीपल बनाएंगे, ताकि ये सारा प्रशासन जटिल क्यों बनाया जाता है, इतना जटिल इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक हार के पैसे चढ़ावा चढ़ा के जाए। अगर नीयत साफ है तो हमें चढ़ावा चाहिए ही नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें रिश्वत चाहिए ही नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे उनको। तो इसको पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी बहुत सारी आप लोगों ने समस्याएं बताई, APMC की, GSPC की, 10,000 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बहुत सारी। और ये जितनी अभी बताई है इतनी नहीं है, अभी तो बहुत समस्याएं हैं। इसका तरीका ये है कि हम आपको पार्टनर बना के गुजरात के अंदर सरकार का पार्टनर बनाएंगे, एक ऐसी बॉडी बना देंगे सरकार के लेवल पे, जिसमें हर सेक्टर से, MSME के हर सेक्टर से, बड़ी इंडस्ट्री, हर सेक्टर से कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। आपकी जो समस्याएं होंगी, उस समस्याओं का समाधान आप बताओगे, सरकार उसको लागू करेगी। जितनी समस्याओं का समाधान आप बताओ, सब सरकार उसको लागू, आपको एक पार्टनर के रूप में। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना। उन्होंने गुजरात के व्यापारियों से कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर उन्हें, यानी कि व्यापारियों को इज्जत देंगे, व्यापारियों के लिए डर का माहौल खत्म करेंगे, उन्हें सरकार का पार्टनर बनाएंगे, उन्हें जो GST है उनके लिए सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके साथ वैट भी 6 महीने में रिफंड कर दिया जाएगा। ये तमाम गारंटीज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अनाउंस की गई। लेकिन इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य में BJP की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों में को बिल्कुल डरा के रखा हुआ है। एक साल पहले सूरत की किसी एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल को टाउन हॉल के लिए बुलाया था, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, सुनिए अरविंद केजरीवाल की जुबानी। मुझे बताया गया था कि गुजरात में इतना डरा के रखा हुआ व्यापारियों को, इतना डरा के रखा हुआ उद्योगपतियों, क्योंकि अगर आप कोई टाउन हॉल करेंगे तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आने की। एक बार लगभग साल भर पहले मेरे को सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया, सब कुछ फाइनल था, उन्होंने हॉल भी बुक कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि हमारे हॉल की बुकिंग भी कैंसिल करवा दी, हमें धमकी दी जा रही है। लेकिन आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे साथियों के मैंने प्रश्न सुने, आज मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके हाथ खड़े हुए थे। मेरी आप लोगों से विनती है, जिन जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला और वो बोलना चाहते थे, आप अगर मुझे लिख के भी देंगे, हमारे पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, अगर लिख के देंगे मैं एक एक पढ़ूंगा, चाहे आप गुजराती में लिख के दें, मैं ट्रांसलेट करवा लूंगा, लेकिन एक एक मैं पर्सनली पढ़ूंगा और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ
27 साल हो गए बीजेपी को गुजरात में। मैं समझता हूं कि इनके नेताओं ने व्यापारियों के साथ अभी तक खूब मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स के अंदर एक तरफा भाषण होता है, कभी सुनवाई की उन्होंने इस तरह से जैसे आज हमारी सुनवाई हो रही है? कभी सुनवाई नहीं हुई। आज एक अच्छी चीज ये है, ये इतने सारे टीवी कैमरा वाले आए हुए हैं और ये सारे थोड़ा बहुत तो चला ही रहे होंगे जितना भी इनको मौका मिलेगा। तो आज आपकी बात मुख्यमंत्री बैठ के सुन रहे होंगे पक्का, आज आपकी बात पाटिल साहब भी सुन रहे होंगे बैठ के। तो मैं समझ रहा हूं अभी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर 2-4 बातों के ऊपर तो अमल हो ही जाएगा। अभी अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन काम होना शुरू हो जाएगा। तो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कमर पूरी तरह से कस ली है। लगातार अरविंद केजरीवाल का दौरा जो है वो गुजरात में हो रहा है। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे वहां उनकी पार्टी बड़ा कमाल कर सकती है। हालांकि चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन चुनावों से पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात जा रहे हैं, जाहिर तौर पर वहां पर हर वर्ग को खुश करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। व्यापारियों के साथ टाउन हॉल का कार्यक्रम किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि पहले जब गए थे तो जनसभा हुई थी, तो लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। उन्होंने पहली गारंटी जो अनाउंस की थी उसमें ये कहा था कि गुजरात के लोगों को 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली देंगे। अब व्यापारियों को भी उन्होंने 5 गारंटी दी है। देखना होगा क्या असर होता है आम आदमी पार्टी का गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में। दिल्ली NCR की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।